मीर साहब, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, क्योंकि जजेस को भी हम देख रहे हैं कि इस मामले पर जो एक जजेस में भी पोलराइजेशन पाई जा रही है, पहले बेंच की तश्कील को लेकर, अब ये जो फैसला आया और ये फौरी तौर पर फैसला भी आ गया, ये भी इसको भी लिंक किया जा रहा है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं एक्सटेंशन वाले मामले को लेकर। तो सर ये हम देख रहे हैं महाजराई तो पहले ही बढ़ रही थी, इससे तो मामला तो और ख़राब नहीं होंगे। देखिए ये अगर आप इसको गहरी नज़र से देखते हैं, ये पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल है जिसके अंदर आप कभी मिलिट्री को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और अब आपने जुडिशियल को इन्वॉल्व कर लिया है कि आपका सर्वाइवल कैसे होगा। और जो इनकमबेंट गवर्नमेंट्स होती हैं वो पूरा पूरा अपना कार्ड्स खेलती हैं। और यहाँ जो बेसिक चीज़ जो हमने जिसको एड्रेस करना है वो है क्रेडिबिलिटी एंड मोरालिटी ऑफ द मेंबर्स। जब हम बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, किसी को यहाँ पैसा लगा दिया, मुझे पता है कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था, वो जो फ्रंटियर के दो मेंबर्स थे वो इधर जा रहे थे तो कितने करोड़ रुपए लगे और फिर उसके बाद यू नो थिंग्स वेंट द अदर वे। द क्वेश्चन इज कि क्या ऐसे लोग आपको गवर्न करेंगे एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। छोड़ दें कि कौन क्या होगा, लॉ क्या होगा, हम तो लॉ एट कन्वीनियंस बना लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए और वो टेम्प्रेरी होते हैं। जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा, ये भुट्टो साहब ने भी किया हुआ है, ये नवाज शरीफ ने भी किया हुआ है, आज ये कर रहे हैं कल कोई और कर लेगा। तो इज दिस हाउ वी आर गोइंग टू रन दिस कंट्री। हम यहाँ तो चैंपियंस तो बड़े हैं, लूली लंगड़ी जमहूरियत भी बहुत अच्छी है भाई, वेरी गुड, तो चलने तो दो। खुद तो जमहूरियत पे अमल नहीं करते, आप हमें दर्श देते हैं कि आपने जमहूरियत पर जाना है। ये क्या जमहूरियत है? ये आपने सही रेफरेंस दिया शाहिद का, यू नो खकान का, कि यू नो ये क्या डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ पकड़ दकड़ कर दी है, लोगों को बंद कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं जी डेमोक्रेसी है। व्हाट अ शैम। देखो डेमोक्रेसी होती है पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, बट वी आर नॉट टॉकिंग फॉर द पीपल, वी आर टॉकिंग फॉर द इनकम्बेंट गवर्नमेंट एंड इनकम्बेंट पोलिटिकल पार्टी जिस वक्त जो पार में है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं चलती है। और ये जो आपने टाइमिंग की बात की, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल टाइमिंग आप कर सकते हो। आपका पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है, आपका पार्लियामेंट इन कंसेप्ट इन परसेप्शन इज सपोजिटली अ फेक पार्लियामेंट एज द पार्लियामेंटेरियंस आर टॉकिंग। तो अगर आपने इस बेसिस के ऊपर एक लॉ पास कर रहा है तो यू रियली थिंक कि इसके जो ग्राउंड्स हैं वो इन द फ्यूचर तकड़े होंगे? आई डोंट थिंक सो। So, इसके अंदर अगर आपने कुछ भी करना है, यू गॉट टू सेट विद द ऑपोजिशन एंड अ टोटल ऑपोजिशन इंक्लूडिंग योर अलायंस पार्टनर्स के भाई लेट्स डिस्कस ऑन दिस। वो नहीं हो रहा यहाँ। जैसे मैंने पहले कहा है, ये पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात हो रही है कि मैं गवर्नमेंट पे रहूं। और भाई दुनिया के अंदर हिस्ट्री ले लो, नो वन रिमेन्स परमानेंट, नॉट इवन अ ह्यूमन बींग। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट फॉर पाकिस्तान? हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। सो गुड लक टू डेमोक्रेसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।